इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन की घंटी बज चुकी है। लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में लग सकती है सख्त पाबंदियां। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने टास्क फोर्स की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है, जिसने अब महाराष्ट्र वासियों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। साथ ही इस बयान देने के पीछे एक ठोस कारण है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले विकराल रूप धारण कर रहे हैं, उसको देखते हुए तमाम एक्सपर्ट्स का लगातार यही कहना है और यही सलाह सामने आ रही है कि अगर मामलों पर नियंत्रण पाना है तो लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र कारण है, एकमात्र रास्ता बच जाता है। वरना महाराष्ट्र में और भी ज्यादा मामले जो है वो सामने आ सकते हैं और बाद में बहुत ज्यादा कठोर सिचुएशन जो है वो महाराष्ट्र में गंभीर सिचुएशन परिस्थिति पैदा हो सकती है। तो लॉकडाउन को लेकर राजेश टोपे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लग सकती है। लॉकडाउन लगाने को लेकर आखिरी फैसला हालांकि सीएम लेंगे। आज टास्क फोर्स के साथ बैठक की गई है, उसके बाद मंत्रिमंडल के साथ बैठक की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लॉकडाउन के साफ संकेत दे दिए हैं और साथ ही ये भी कहा गया है टास्क फोर्स की बैठक के बाद। टास्क फोर्स के डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर ने अब दस्तक दे दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कल से 1100 ज्यादा मामले आज दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जनता से गर्दी टालने की अपील की है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का भी आज विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटों में ओमिक्रॉन के 198 मामले पाए गए हैं। भारत में ओमिक्रॉन की सबसे पहली मौत महाराष्ट्र से दर्ज की गई है। हालांकि पिंपरी चिंचवड़ में ये मौत दर्ज की गई है, लेकिन मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये पता चल सका कि व्यक्ति जो है वो ओमिक्रॉन से संक्रमित था। तो आज राज्य में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या अब 450 यानी कि 450 हो गई है, जो कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा है। तो तमाम जो है आज 22 लोगों ने जान गंवाई है। मुंबई महाराष्ट्र में आज 5368 कोरोना के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। लगातार अगर देखा जाए तो मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज मुंबई में जो है कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मुंबई का धारावी जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम और सबसे पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पर अब कोरोना के 20-20 मामले एक दिन में दर्ज हो रहे हैं। जहां पर वो पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो गया था, धारावी में कोरोना के एक भी मामले दर्ज नहीं हो रहे थे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो 20 मामले प्रतिदिन अगर दर्ज हो रहे हैं तो काफी चिंता की बात बढ़ जाती है। पिछले 24 घंटों में धारावी में 20 मामले दर्ज हुए हैं। अब धारावी में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। 7 महीने बाद ये पहली बार है जब धारावी में एक दिन में इतने कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के बयान ने अब चिंता बढ़ा दी है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 2 जनवरी को हो सकता है कि जनता से संबोधन करें, या फिर 1 जनवरी को नववर्ष के दिन ही वो जनता से संबोधन करके पाबंदियों का ऐलान करेंगे और 2 जनवरी से महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियां लागू कर दी जाएगी। जिस तरीके से लगातार खबर आ रही है और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं, आज ही टास्क फोर्स की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित रहे। उसमें तमाम तरीके की बातें जो है वो बातें की गई। फिलहाल जो है लगातार चिंता बरकरार है, लगातार चिंता बढ़ रही है, लोगों की चिंता बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ रही है कि आखिर कोरोना के मामलों को कैसे रोका जाए। लगातार अगर देखा जाए तो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि अगर राज्य में कोरोना कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो पाबंदियां लगाई जाए। महाराष्ट्र में जो लेकिन आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई अचंभित कर देने वाले आंकड़े हैं कि अचानक एक हफ्ते में 7 से 8 गुना आंकड़े कैसे बढ़ गए। अगर देखा जाए तो काफी खतरनाक आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। अब महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भीड़ को टालने की अपील की है। अगर देखा जाए तो मुंबई में कोरोना के लिए सख्त पाबंदियां धारा 144 न्यू ईयर को देखते हुए लगा दी गई है। अब उन धारा 144 का कैसे लोगों से पालन कराया जाए, अगर देखा जाए तो तमाम तरीके की पाबंदियां, नाइट कर्फ्यू लगाई हुई है। कई जगह नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं खुली रहती है, बाकी सभी दुकान बंद रहते हैं। लेकिन रोड की भीड़ जो है
आम जनता की भीड़ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। उस भीड़ को अब कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कोरोना के इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में सख्त पाबंदियां लग सकती है। पाबंदियों को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आखिरी फैसला लेंगे। हालांकि टास्क फोर्स की बैठक में एक खुलासा कि राज्य में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और अगर देखा जाए तो मुंबई में 90% मामले बिल्डिंग एरिया से दर्ज की जा रही है, स्लम में नहीं। 88 आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और टास्क फोर्स के बीच बैठक हुई थी। आपको बता दें कि शाम करीब 5 बजे